हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस ट्यूटोरियल्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एग्रीकल्चर की सीरीज पढ़ रहे हैं और तथा ये आज मेरी चौथी वीडियो है जनरल एग्रीकल्चर की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, जिनमें जिनके बारे में आपको बताऊंगा। हर बार हर एग्रीकल्चर एग्जाम में एक अनुसंधान संस्थान ज़रूर पूछा जाता है। उसमें टाइप ये होता है कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। इसके दो टाइप होते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है ये। एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, ये दो टाइप से पूछे जाते हैं, तीन टाइप। हाँ, या तो इसका इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा होगा और ऑप्शन आपके पास होंगे उसके जगह के, जैसे कि ये नई दिल्ली में स्थित है तो नई दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, लुधियाना, ठीक है। या फिर इसका ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया होगा और आपको फुल फॉर्म पूछेगा। तो दोस्तों, हम इसमें दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको बस एक बार पढ़ना है और एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाना है। आपका एक नंबर मेरी इस वीडियो से भी पक्का होगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा यही मानना है कि मेरी हर वीडियो से आपका एक नंबर पक्का होगा और मैं आपको 100 से 125 वीडियो कराऊँ प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा ICAR। ये देखिए, ये भारत में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान यही है, मुख्य तथा सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। तो इसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या है ये? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ये फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली में स्थित है। दोबारा से एक बार हम कर लेते हैं, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तथा ये नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है हमारा IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा IARI, देखिए फ्रेंड्स, मैं दो दो बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तथा कोई भी डाउट ना रहे। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, फ्रेंड्स ये भी नई दिल्ली में स्थित है तथा IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। तीसरा है हमारा CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ये फ्रेंड्स बीकानेर राजस्थान में स्थित है तथा ये इसका मतलब है कि ये शुष्क, मतलब फलों के शुष्क क्षेत्र का ये अनुसंधान संस्थान है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये क्या है? CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगले पे चलते हैं हम, CISTH। तो ये हमारा अगला है CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल, ये हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो लोग यूपी से संबंधित एग्रीकल्चर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान दें कि जो आपके स्टेट में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ज़्यादातर। ICR, IARI ये मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, ये किसी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा CITH। क्या है हमारा? CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। इसमें जो शीत क्षेत्रीय फल होते हैं उनका, उनके बारे में अनुसंधान किए जाते हैं। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम।
अगला है हमारा CPRI, क्या है फ्रेंड्स? CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, ये हमारा शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये शिमला में भी एक छोटी सी जगह है, कुफरी, वहाँ पे है। आपने देखा होगा कि आलू की सभी वैरायटियों के आगे कुफरी लगा होता है, कुफरी बहार, कुफरी अलंकार, कुफरी पद्मा, तो वो शिमला में कुफरी है, इसलिए उनमें क्या आगे कुफरी लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला हिमाचल प्रदेश। अगला है हमारा CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में। ये क्या है? ये हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए और मेरे वो लाइक करते रहिए। बस अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एग्रीकल्चर स्टडी कर रहे हैं, उनके पास ये चैनल शेयर कीजिए। अगला है हमारा IGFRI, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है ये? IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारा झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा IIHR, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, यानी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलोर, कर्नाटक। अगला है हमारा फ्रेंड्स IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये हमारा भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, IISR, क्या है हमारा? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, कालीकट, केरल। IISR, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, ये आपका कालीकट, केरल में स्थित है। अगला है हमारा IISR, ये देखिए IISR दो बार है तो इसके जो फॉर्म है वो अलग अलग हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन में आए ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, क्या ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो लोग यूपी से संबंधित एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये नेक्स्ट है IIVR, क्या है? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये हमारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये हमारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स हमारा NDRI, क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है। क्या है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। अगला है हमारा फ्रेंड्स IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली, ये हमारा है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ये पशुओं से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, आप SBI ये वो वाला मत समझ लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। इसमें गन्ने से संबंधित नई नई ब्रीडिंग की अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा फ्रेंड्स IIWM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, क्या है? IIWM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला है हमारा नाबार्ड, इसको NABARD नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इन वीडियोस का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अगली क्लास जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है।